मौलिक सुविधा वंचित डामीगुड़ा ग्रामवासी कंधमाल जिला टीका बाली ब्लॉक अंतर्गत पाबुरिया पंचायत डामीगुड़ा ग्राम को आज पर्यंत कौनसी योजना पहुंची पारिना स्वाधीनतार एत वर्ष पर भी ग्राम जपरी अभिशप्त पलटि जा ग्रामवासी ग्राम से 500 रु ऊर्ध बासिंदा बसवास कर सत्वे ग्राम को आज पर्यंत खंडे रास्ता हो पारा ना ग्रामर समस्त परिवार गरीब सीमा रेखा तले रही आज पर्यंत ग्राम को पानीय जल जोगाण हो पारिना ग्राम एकमात्र नलकूप आज को 7 वर्ष है अचल हो पड़ी पापाई लोके चुआ और कुआ उपरे निर्भर करते सबुठ बड़ कथा है पंचायत कार्यालय ठू मात्र 1.5 किलोमीटर दूर ग्राम प्रति एपर्त प्रशासन नजर न पड़ा दुर्भाग्यर विषय आम गाँव रास्ता ना आमे बर्षा पवन झड़ी हेले चली पार ना पिला माने स्कूल को जाई पार ना जर कहला हेले नहीं पार ना आम रास्ता घाट टिके सुविधा कर दियो आमर गाँ बे गरीब गाँ अच्छा लोक माने एटे कोन काम कर के चल छन कोली काम मुड़ी भजा अब ए विषय रे का को आगरु कहिछ सरपंच को कि सरपंच को कुआ है छी वार्ड मेंबर को कुआ है छी वार्ड मेंबर के दाबी करी छी रास्ता पाई खाली इड़े मालर माल को आम पटा जमी बोली जगह के छाड़ू ना आप अच्छा आप गाँव रहा समस्या अच्छी कौन आम गाँव बेस समस्या पड़े अमावस्या समस्या बेस बोले कौन आम गाँव कुछ बेस सुविधा ना रास्त ना मोर जानवर 70 साल है 70 रु शहे वर्ष कटिगल आमको 50 वर्ष चल गोटे रास्ता पाल ना भोट देकर गोटे कोई कार्यटे होगा ना कौ पा सुविधा ना कौ गाँव में कोई सुविधा ना स्कूलटे ना तापर पाला सुविधा हुए ना जत बड़ लोक भोट दे सब बाहर काम कले पैसा मिले ना क्यों गाँव में पशिले रास्ता ना काद बाटे चलचु क्यों मंत्री आसल रास्ता मना कर दौंती अंगनवाड़ी भी आंगनवाड़ी आम गाँव में किसी भी ना कौन आम कम बचु आज्ञा से तुम जान खाली चावल जोड़ दौर सरकार खाऊ ए विषय प्रशासन द्वारस्थ होती मझे मझे जन जन आमती कहीं के लोक गले आम गाँव में सरपंच को विषय सरपंच सरपंच थोड़े आई सरपंच द्वितीय बार आस बार ना सरपंच जन्म ना के सरपंच गले किसी भी पाने सुविधा सुविधा नल कौटे ना पा आम कौट खाऊ काद पा पीऊ आम गाँव में कौटे ना कि ना कौ पिला खाऊ के चलते बाट यह भी सुविधा किसी भी ना जितकी सरकार आसबे देवु 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 देव 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 किए भी देवर ना खाली सरपंच मैंने जितने सब ठकी टे विडियो में ठकुचे सब ठकी चलते घर टे आज बोलते क्या इंदिरावास घर टे पाल ना जीवन चली जाऊँ आम सीना मो कूड़िया ना इंदिरावास ना आमको भत्ता भी मिल पार ना आम सबुद एमती आखा जाऊ आम गाँव रास्ता गोटे ना पिला छुआ धरिक एमती आखा जाऊ सैकल जावाक भी भल बाट ना अच्छा बर्षा दिन कम बर्षा दिन कादु पचे पचे कि कादुरे गोड़ खसिक पड़गले आस गाँव कौन समस्या अच्छा आम गाँव में आज्ञा देखुं देख नलकूप गोटे अच्छी नलकूप प्राय 6-7 वर्ष हो गला किए पा सुविधा मिलूना आ गए सोलार टांगी अच्छे से सोलार टांगी को मुंडिया अच्छी गाँव लोक किए व्यवहार कर पार ना सप्लाई तो करदे ना सरकार आ सरकार कड़े गले आम ये 65 घर अच्छे बर्तमान पा कौट खाऊ पा आज्ञा के चुआ खाऊ के सारे गोटे अध किलोमीटर जा चुआर धरिक आस समस्या समस्या बोले आज देख गाँव में गोटे 65-80 घर अच्छे गोटे सीसी रास्ता ना कि नहीं को गार्डवेल ना आम बहुत कष्ट बिल माल जावास आज पर्यटन मोर जन्म होगा आज की 42 वर्ष है ये रास्त यटी एम बिल माल मुझे चलिक जाऊँ आपण ना कोण ना जानक देहरी
ଯେ କଣ ସମସ୍ୟା କଣ ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଗାଁ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଦେଖ ରସନି କିଛି ଘରଟେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବୋଲି ଶୁଣୁଛୁ ସିନା ଆମେ କେବଳ ପାଇ ନାହିଁ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ଖାଲି ସେମିତି ଖାଇକି ରହୁଛୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଛୁଆ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆଉ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା କେତେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଉଟା ବି ଆମର ଆଉ ସୁବିଧା ସରକାର ପାଇପାରୁନି ଭୋଟ ପାଇଁ ବୋଲି ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ସରିଗଲେ କିଏ କାହାକୁ ତମେ ଟିକେ ସରକାର ତରଫରୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଚ୍ଛା ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ କାହାକୁ ଆପଣମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଆମ ଗାଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏକା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ବି ଜଣାଉଛୁ ହେଲେ ବି ହେଇପାରୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ଆଜି ଯାଇ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକର ପାବୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏଇ ଦାମିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏ ଗାଁରେ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଇ ଗାଁକୁ ନାହିଁ କୌଣସି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂଅ ଥିଲା ଯେଉଁ ନଳକୂଅ କି ଆଜିକୁ ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଆ ପାଣି କୂଅ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଠାରୁ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଦାମିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଏପରି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ତେବେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ ଯେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବାବୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାମିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁଛି କେବେ ଏଇ ଦାମିଗୁଡ଼ାବାସୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାବାଲିରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ରହିବେନି କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍